तुम खुश होती हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? माँ क्या है कौन? हाय, इसे चोट लगी है ना, तो मैं बस देख रहा था। मेरा मतलब मेरी वजह से चोट लगी है तो मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा ना। अबे तुम मेरे साथ 2 मिनट बाहर चलोगे? क्यों, क्या हुआ? कुछ काम है इसलिए बाहर चलने के लिए बोल रही हूँ। तुम यहाँ पर नहीं बता सकते क्या? अभी मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, तुमसे प्राइवेसी में बात करने का मेरा कोई हक है या नहीं? हाँ हाँ हा। एक्सक्यूज मी, चलो। क्या कर रहे हो तुम? उसे चोट लगी है तो मैं बस उसकी केयर कर रहा था। अरे तुम सूपी होगी क्या बाद में? अभी तुम उसकी केयर कर रही है मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? टोस्ट। टोस्ट? सूप के साथ टोस्ट तो बनता ही है, टोस्ट भी मंगवा दो। हाँ, अभी अभी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं बस उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इतनी सी बात को लेकर ओवर रिएक्ट क्यों कर रही? अब मैं उसके साथ हूँ इसलिए जेलस फील कर रही हो तुम? मैं जेलस फील कर रही हूँ? जेलस फील नहीं करती तो उतनी ओवर रिएक्ट नहीं करती। ओवर रिएक्ट मैं नहीं, ओवर रिएक्ट तुम कर रहे हो अभी। तुम उसके दोस्त हो, नर्स नहीं जो उसके साथ ऐसे चिपके बैठोगे। मामूली सी चोट है, उसे बोलो दवाई खाई, रेस्ट करे, ठीक हो जाएगी। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो गया, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा ना। फिलहाल मुझे उसकी ड्रेसिंग करनी है, मुझे उसका ख्याल रखना है और मुझे उसे जल्द से जल्द ठीक करना है, और मैं वही करने जा रहा हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे लेकिन ऐसे बाहर क्यों लेके गई थी? ठीक है, अभी अब मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं अभी। अब क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि मैं ही प्रज्ञा की ड्रेसिंग कर लेती हूँ। अल्लाह चल लग। क्या हुआ, अभी हंस क्यों रहे हो? तनु तुमसे बैंडेड नहीं लगाया जाता, तुम ड्रेसिंग क्या करोगे? एक काम करो, तुम जाकर अपनी ड्रेसिंग चेंज करके। अभी मैं तनु रहने दो ना, मैं कर रहा हूँ ना, तुम जाकर अपना काम करो। थैंक्स फॉर द ऑफर, अगर तुम चाहती हो तो करवा सकती हो। ज्यादा हंसो मत वरना दर्द होगा। अरे ये कहां से आ गया? सामने पड़ गया तो सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, रास्ता बदल ले आलिया। अरे कहां जा रही हो आलिया, मुझे देखकर रास्ता क्यों बदल रही? पहले तो काली बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटा करती थी और अब तो मुझे देखकर रास्ता ही बदल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कुछ काम था उसके चक्कर में जा रही थी, अभी कुछ भूल गई थी तो वापस कमरे में जा रही थी। कौन सा काम? रूम में जाकर अपनी हार पे रोने का या जीत के लिए कोई नया प्लान बनाने का? यू नो व्हाट आलिया, मैंने सुना है कि जिनकी जबान लंबी होती है ना उनका दिमाग थोड़ा छोटा होता है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं ये सब तुम्हें क्यों कह रहा हूँ। याद है तुम्हें एंगेजमेंट से पहले मुझे क्या कहा था? कि तुम अपनी जीत की स्टेज सजा रही हो। लेकिन जो हुआ है उसे देखकर तो ये लग रहा है कि तुमने अपनी स्टेज फूलों से नहीं कांटों से सजाई थी। मैं तो वैसे भी तुम्हारी आंख का कांटा था। तुम्हारी जिंदगी कितनी कांटों भरी हो गई है ना, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम हारोगी, और देखो जो मैंने कहा था वही हुआ। प्रज्ञा दी का कुमकुम और उनका सच्चा प्यार फिर से जीत गया और तुम्हारी नफरत हार गई। ओह माय गॉड,
तुम्हें पता है कि अभी क्या कर रहा है? अभी पागलों की तरह प्रज्ञा की केयर कर रहा है। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसकी उंगली नहीं कटी, पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ हो। अरे मुझे कहता है तुम बाहर जाओ, मुझे प्रज्ञा की ड्रेसिंग करनी है। अरे मिताली भाभी ने ठीक कहती है कि अभी उसकी उसकी केयर दोस्त की तरह नहीं पति की तरह कर रहा है। तब तक पूछा ना तेरा, तब तक बोला मत करो। चलो अच्छा है, एक बहाना और मिल गया तुम्हें आंसू बहाने का। अब दोनों जाओ बैठ के रो और एक दूसरे के आंसू पोंछो। मैं चलता हूं। ये ऐसे क्यों बोल के गया? और तुमने मुझे क्यों डांटा? रात को नींद कैसी है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो? नहीं ज्यादा नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी छोट दिखी और दर्द मुझे। आप तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपसे नहीं देखा जा रहा तो मैं खुद कर लेती। अरे नहीं नहीं, मैं ही करूंगा। तुम क्यों करोगी? मैंने कहा था ना कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हारी केयर मैं करूंगा, तो मैं ही तुम्हारी ड्रेसिंग करूंगा। ओके पता नहीं तुमसे ऐसा क्या कनेक्शन है जो तुम्हारी हर तकलीफ मुझे महसूस होती। जितना मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ उतना ही पास आ जाती हूँ। मैंने कभी अपनी इतनी फिक्र नहीं की जितनी तुम्हारी रहती है, और अब जितनी फिक्र करने लगा हूँ ना उतना ही तुम्हें खोने से डरने लगा हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते, सिर्फ मेरी खुशी के लिए अपने दिल की बात नहीं कह पाते। काश कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह पाता। काश कि तुम मेरे बोले बिना मेरी फीलिंग समझ पाती कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश भी हूं और नहीं भी। क्या हुआ? तुम हंसी क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं। सॉरी, ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ? फिर से हंस रही हो? दर्द नहीं हुआ, मजाक कर रही थी इसलिए हंस रही। मजाक कर रही हूँ? तुम्हें अभी खत्म। और छोड़ूंगा नहीं। मैं तो चाहती हूँ आप कभी नहीं छोड़े मुझे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, पट्टी पट्टी। मैं बस उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश करूँ। तुम इतनी सी बात को लेकर ओवर या क्यों करें? आखिर हो क्या रहा है और मैं ये होने कैसे दे रही हूँ? प्रज्ञा है क्या? ना शक्ल की ना सूरत की, कपड़े तक पहनने नहीं आते उसे, फैशन का एफ तक नहीं आता, और चली मुझसे मुकाबला करने। उसे लगा वो मेरे सामने अभी से चिपकी रहेगी और मैं देखती रहूंगी। बेस्ट फ्रेंड माय फुट, वो अभी की फैन बनने तक के लायक नहीं है। उसमें एक क्वालिटी नहीं है, उससे ना बात करना आता है ना ठीक से चलना आता है। उसका मेरा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अगर बिना बताए मैं उसे अपने शूटिंग के सेट पे लेके जाऊं ना तो सब उसे मेरी नौकरानी समझेंगे। पर आई डोंट नो, ये बात अभी को समझ में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं दिखता उसे प्रज्ञा का मेरे सामने कोई लेवल ही नहीं है? सर पे बिठा रखा है उस प्रज्ञा को, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मेरी अभी से शादी होने वाली है और मेरी जगह उसे अपने अपने साथ रखता है, ये मेरी इंसल्ट है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे कि अभी को रियलाइज हो जाए कि प्रज्ञा उसके लायक नहीं है। मेरी बात तो वो सुनेगा नहीं, और फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है जो अभी से बात कह सके।
अभी के किसी एल्बम प्रोड्यूसर से बुलवाऊं या फिर किसी को सिंगर से? लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? ओह माय गॉड, ओह यस, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? रॉकी इज द राइट पर्सन। हाँ, रॉकी ये मेरा काम कर भी सकता है क्योंकि उसी ने अभी को म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री करवाई थी और उसी की वजह से आज अभी रॉक स्टार है। और जब रॉकी जब प्रज्ञा की असलियत अभी के सामने लाएगा तो अभी उसकी बात टालेगा नहीं और वो मेरा काम भी करेगा क्योंकि प्रोजेक्ट जो दिलवाया था तलरेजा स्प्रिंग कलेक्शन। Anybody home? Rocky? Oh my God, Tanu darling, please come. Tanu my darling. How are you, baby? I'm good. How are you? I'm good. You're looking so hot and amazing. Thank you so much. तुम भी कम handsome नहीं लग रहे हो. Rocky? Oh my God. What a pleasant surprise. I mean, have you lost weight or what? Thank you. तुम्हें सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो सुबह सुबह कहीं भी नहीं जाता। Just I love nights. मैं तो सारा काम nights को ही करता हूँ। Oh, I mean parties and meetings. Of course I know. Naughty you, Rocky. तो फिर इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? You ask her. किसने बुलाया? क्यों था ना? इसने ही मुझे यहाँ बुलाया और बोला कि रॉकी तुम जल्दी आना क्योंकि यहाँ पे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं क्या करता? मैंने कहा इस तनु से कि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ कि मैं किसी को मौत से बचा लूंगा या उसे जिंदगी दे दूंगा, फिर भी ये फोर्स करने लगी तो मैं क्या करता? मुझे आना ही पड़ा। राइट तनु? व्हाई तनु? एज इन लाइक तुमने रॉकी को यहाँ बुलाया? हाँ तनु, तुमने आर्या को नहीं बताया? मैं बताने वाली थी। एग्जैक्टली, जैसे कि अभी अभी मुझे बताने वाली है कि किसकी जिंदगी और मौत के बारे में बात कर रही थी। राइट तनु? हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। रॉकी, गिव अस 2 मिनट्स। ओके, वी विल बी राइट बैक। ओके बेबी, जल्दी आना। अब बताओगे कि तुमने यहाँ पर रॉकी को क्यों बुलाया? प्रज्ञा को इस घर से बाहर निकालने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रज्ञा हमारे सामने कुछ भी नहीं, ना क्लास, ना स्टेटस, ना हमारे सामने खड़े रहने की हैसियत। तुम सीधी बात क्यों नहीं कर रही हो? पॉइंट पे आओ ना। पॉइंट ये है कि उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी अभी उसके साथ चिपका रहता है। जब देखो उसकी तारीफ करता रहता है और अब तो उसका वार्ड बॉय बना हुआ है। क्योंकि भाई को ऐसी लड़कियां पसंद है, सीधी सादी भोली भाली। और प्रज्ञा ना सीधी है ना ही सीधी सादी भोली भाली है, वो बंदूक की गोली है और जब चलती है तो सीधा। तुम अभी भी पॉइंट की बात नहीं कर रही, इधर उधर मत घुमाओ, सीधा बताओ यार। ओके, पॉइंट की बात ये है कि अगर अभी को कोई ये पता है कि प्रज्ञा उसके लायक नहीं है, प्रज्ञा उसकी सेक्रेटरी तो क्या इस घर की नौकरानी बनने के भी लायक नहीं, और अगर अभी उसके साथ खड़ा होता है तो अभी अभी की इमेज डाउन होती है। अगर ये अभी को बताया जाए तो अभी उसे इस घर से तो क्या अपनी लाइफ से निकाल देगा। एक सेकेंड, और कहीं ये कोई रॉकी तो नहीं? यस, ये कोई रॉकी है। रॉकी से बेटर इंसान और कोई नहीं मिल सकता हमें इस काम को करने के लिए। और रॉकी अगर अभी के सामने प्रज्ञा की बात करेगा भी तो अभी चुपचाप सुन लेगा। रॉकी की रिस्पेक्ट जो करता है, उसकी हर एक बात मानता है, तो आई एम श्योर ये बात भी नहीं टालेगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल, हाउ क्यूट, ओ पूरब, माय डार्लिंग। रॉकी तुम यहाँ? बस मैं आ गई। तुम बताओ तुम कहाँ थे? मैं कब से मिस कर रहा था।
हाँ, मुझे भी सुबह से बहुत हिचकी आ रही थी, तो मुझे भी लगा कि मुझे इतना मिस कौन कर रहा है। You naughty? तुम तो मुझे याद भी नहीं करते पूरा। हाँ, अभी के बिजनेस में इतने बिजी हो कि तुम तो मुझे मिलने भी नहीं आते। अब क्या करूं, इतना बिजी रहता हूँ कि मैं अभी से नहीं मिल पाता तो। ओह कम ऑन पूरब, अभी से तो तुम मिलते ही रहते, उससे मिलो ना। तुम भूल गए वो दिन जब हम और तुम। रॉकी, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं बस यू 2-4-5-6 घंटे। अरे पूरब लिसन टू मी, अरे अपना नंबर तो दे से जाओ। आलिया, आई टेल यू पूरब। पूरब क्या पूरब, की छोड़ो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं खत्म करके आती हूं। आई विल बी राइट बैक। तनु, रॉकी का ध्यान। अरे लिसन टू मी, आई विल बी बैक। अरे आई विल बी बैक। व्हाट इज दिस तनु, तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? यही सब करने के लिए? जो कभी मिलता है मुझे छोड़ के चला जाता है। हाँ, डोंट वरी रॉकी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यू नो, मेरे पास एक सीक्रेट है। रियली? यस, आई लव सीक्रेट्स। कम 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 कम। अरे अच्छा हुआ दी आप यहीं मिल गए, मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ। अभी कहाँ? मेरे लिए सूप लेने गए। क्या बात है दी, फुल सेवा करवाई जा रही है पति से, मजे हैं आपके। नजर मत लगाओ। हाँ तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुम ये बताओ मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे हाँ, वो एक्चुअली मैं आपको ये बताने आया था कि आलिया और तनु आपके खिलाफ फिर से कोई प्लान बना रही। मैं नीचे से गुजर रहा था तो मैंने सुना दोनों खुसर फुसर कर रही। तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जब तक ये मेरे साथ है मुझे उन दोनों का कोई डर नहीं है, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। और तुम भी चिंता मत करो इस सब की। तुम ना जल्दी यहाँ से जाओ, वरना तुम्हें मेरे साथ देखेंगे वापस गिल्टी फील करने लगेंगे, फिर मैं उनके साथ वक्त ही नहीं बिता पाऊंगी। रोमांस? हाँ, कट कट कट। चलो ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। फकी, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके बाय। अरे तू भी यहीं पर है? अच्छा तू यहाँ पर है, तू एक काम कर, अब अपनी होने वाली बीवी को सूप पिला। भाई तू ही पिला, मैं बहुत अर्जेंट काम के लिए जा रहा हूँ। 5 मिनट लगेगा, पिला लेना। अबे 5 मिनट 5 सेकंड नहीं है मेरे पास यार, बहुत अर्जेंट काम है, कमाल करता है। जा बाय बाय बाय। वाह, देख रही हो? 5 सेकंड भी नहीं मेरे पास। कोई नहीं, ठेका मैंने लिया है ना सूप पिलाने का, तो मैं ही पिलाऊंगा। मैसेज बताओ, आई एंजॉय इट। मैं खुद पी लूंगी। मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा, तो क्यों बार बार बोलती हो? कम ऑन। गर्म है? अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह यार, अरे ये तो वही मेरी फाइल है ना। हाँ यही तो ढूंढ रही थी मैं। कमाल कर रही हो, इतना ढूंढने के बाद भी। अरे क्या, ये क्या कर रहे हैं आप? फाइल को हटा रहा हूँ। अरे क्या कर, आप फाइल क्यों फेंक रहे? वहां तक हाथ नहीं पहुंचा, धक्का मार दो। Ready? Steady? Go! Tanu, please मुझे बताओ ये सीक्रेट क्या है? This suspense is killing me. You know, मेरा दिल डर के बारे में डूबा जा रहा है. Rocky, relax. अगर तुम ऐसे बात करोगे डूबने डुबाने की तो मुझे डूबने से कैसे बचाओगे? सस्पेंस तनु, प्लीज मुझे साफ सा बताओ बात क्या है। ओके रॉकी, तुम तो जानते ही हो कि अभी तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है, तुम जो भी कह दो उसके लिए वो पत्थर की लकीर है। विदाउट एनी डाउट, आफ्टर ऑल मैंने ही तो उसे स्टैंड किया है। तुम ये भी जानते हो कि अभी का मानना है कि तुम्हारी चॉइस वर्ल्ड की बेस्ट चॉइस है। तो तुम्हें कोई शक है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी चॉइस पे शक करना मतलब अभी के टैलेंट पे शक करना। एग्जैक्टली exactly. अभी खुद मेरी पसंद है। आई नो, पर पता नहीं अभी की चॉइस को क्या हो गया है। क्यों, क्या हुआ?
आई डोंट नो हाउ टू से इट बट यू नो पता नहीं अभी का दिमाग खराब हो गया या उसकी आंखें वो एक बहनजी टाइप की लड़की से प्यार करता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो बहनजी टाइप लड़की अभी की वाइफ है राइट वाइफ है नहीं वाइफ थी जब से अभी की याददाश्त गई है यू नो वो सब कुछ भूल चुका है पर फिर भी उसे अपनी सेक्रेटरी बना के पास में रखा हुआ है जबकि उसकी एंगेजमेंट मुझसे हो चुकी है और मुझसे शादी होने वाली है ओके तो तुम मुझसे क्या चाहती हो आई जस्ट वॉन्ट यू कि तुम अभी को ये रियलाइज करवाओ कि वो बहन जी प्रज्ञा उसकी लायक नहीं है साथ रहना तो दूर साथ खड़े रहने के लायक नहीं है क्या मतलब मतलब मैं समझाती हूँ नो 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 मैं ये नहीं कर सकता आई कांट यू नो मैं औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ आई नो रॉकी लेकिन मैं भी तो एक औरत हूँ ना मेरे बारे में भी तो सोचो लेकिन तनु प्लीज रॉकी प्लीज मना मत करो एक तुम ही हो मेरी लास्ट होप अगर तुम भी मना कर दोगे तो मेरा क्या होगा तुम तो जानते हो कि मैं अभी से कितना प्यार करती हूँ उसके बिना जी नहीं सकती तुम ऐसा समझो कि तुम मुझे मेरा अभी वापस करके मेरी जिंदगी वापस करोगे प्लीज रॉकी प्लीज मना मत करो प्लीज ओके फाइन आई विल डू इट मैंने अभी के लिए इतना कुछ किया है तो उसके फियांसे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना थैंक यू सो मच यू आर सच अ स्वीटहार्ट थैंक यू